आईडी ब्लास्ट में घायल कोबरा बटालियन के एक और जवान की सांस उपचार के दौरान थम गई। शहीद विकास कुमार कोबरा 208 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोबरा बटालियन के डिप्टी कमांडेंट विकास कुमार के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह कोबरा बटालियन के जवान किस्टाराम इलाके में सर्चिंग पर निकले थे। इसी दौरान कोबरा 208 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट नक्सलियों के लगाए आईईडी की चपेट में आने से घायल हो गए। घायल जवान को रेस्क्यू कर कैंप लाया गया, जिसके तुरंत बाद रायपुर रेफर कर दिया गया था। उपचार के दौरान घायल जवान शहीद हो गए। बता दें कि बीते 15 दिनों में नक्सली ब्लास्ट में कोबरा के दो अधिकारी शहीद हो गए थे। इनके निधन पर मुख्यमंत्री बघेल ने अपने शोक संदेश में कहा है कि विकास कुमार ने कर्तव्य निर्वहन के दौरान अपनी शहादत दी है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन और तेज होगा। बघेल ने विकास कुमार के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए उनकी शहादत को नमन किया है। रायपुर से संवाददाता राजेंद्र गाड़े की रिपोर्ट। आज यहाँ राजनांदगांव में कल दुर्घटना एक कवर्धा में ऐसा एक विद्यार्थी परिषद के पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ता जाते हैं कलेक्ट्रेट घेराव करने। विषय ये है, आज से करीबन एक हफ्ते पहले एक 14 वर्षीय आदिवासी छात्रा, उसके साथ कुछ युवाओं ने बलात्कार किया। रात के 1:30 बजे भागते भागते जब वो लड़की थाने पहुंची, थाने में अपना रिपोर्ट लिखवाया, तब अगले दिन जो कार्रवाई उसमें एसपी साहब ने कहा कि इसके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ, ये लड़की झूठा इल्ज़ाम लगा रही है ना। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, एक 14 वर्ष की लड़की क्या झूठा आरोप लगा सकती है? इसके बाद क्या होता है, उसे बदनाम किया गया। अगले दिन पेपर में ये आया कि एसपी सर का जो ऑफिशियल बाइट था रिपोर्ट लिखाने के अगले दिन, कि लड़की के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ, लड़की जो है आपसी रंजिश को बदला लेने के लिए ऐसा रिपोर्ट लिखवाने आई है। जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को ये बात पता चली, उनके ऊपर दबाव बनाया गया, तो 4 दिन बाद वो केस फिर से रीओपन होता है और उसके बाद एसपी साहब का ये बयान आता है उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। मगर बलात्कार सिर्फ एक ही व्यक्ति ने किया है, डीएनए टेस्ट जो होता है, डॉक्टर का जो रिपोर्ट आया, एक व्यक्ति का दिलाया गया, जबकि वो लड़की अपने मुंह से बोल रही है 4 लोगों ने मेरा बलात्कार किया। तो ये क्या है, किसके दबाव में पुलिस प्रशासन आके जो बात को ढकने की कोशिश कर रही है, अपने बयान के साथ लिपापोती कर रही है। सिर्फ यही मुद्दा नहीं, वहाँ और राजनांदगांव में भी बहुत से ऐसे मिशनरी स्कूल्स हैं। वहाँ मैं स्कूल का नाम बताना चाहूँगा, होली क्रॉस स्कूल है कवर्धा में। आज से 1.5-2 महीने पहले एक आदिवासी छात्रा को उन्होंने टारगेट किया, उसके घर गए, उसके माता पिता को उन्होंने कहा हम इसे अच्छी पढ़ाई करवाएंगे, फ्री में पढ़ाई करवाएंगे, नौकरी देंगे, आपके पास पैसा भी भेजेंगे हर महीने। ऐसा करके उस छात्रा को यहाँ से ले गए आंध्र प्रदेश। वहाँ पे कल हमारे साथ रैली में उस पीड़ित छात्रा की माँ और उसके पिताजी भी थे। उनको उस छात्रा को आंध्र प्रदेश ले जाने के बाद वहाँ उससे गधा मजदूरी करवाया जाता था, गलत काम करवाया जाता था। जब लड़की ने विरोध किया, उसकी माँ ने हमें ऐसा बताया है ना, ये वहाँ के ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी रिकॉर्ड है, उसके लड़की के मुँह में मिर्ची ठूस दिया जाता, मिर्ची जला के, लाल मिर्च जला के ठूस दिया जाता था, उसे घंटों हाथ ऊपर खड़े करके बांध के खड़े कर दिया जाता था। ये सब मुद्दे जो हैं कवर्धा पुलिस को पता है, ये मुद्दा 1-1.5 महीना पुराना है, मगर अभी तक कवर्धा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कवर्धा पुलिस जो है पता नहीं किसके दबाव में आके जो अपने बयानों के साथ बार बार लिपापोती कर रही है। कल उसके विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता ने हमारे प्रदेश मंत्री श्री शुभम जसवाल जी के नेतृत्व में वहाँ पर कलेक्ट्रेट घेराव किया। इसके बाद जब आंदोलन सब खत्म हो गया, अभी आप लोग यहाँ क्या करने आए थे, अभी का बताइए जी। मैं बता रहा हूँ आगे उसी विषय पर। कल जब आंदोलन खत्म हुआ, सब जब अपने घर चले गए, तो वहाँ विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में हमारे कुछ कार्यकर्ता बैठे थे। रात में 8 बजे करीबन पुलिस प्रशासन वहाँ पे आती है, उन्हें जबरन पहले थाना उठा के ले जाती है, सबका नाम लिखती है और उनके ऊपर गलत रूप से केस करती है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता राजनांदगांव के समारम मंदिर चौक पर इसीलिए एकत्रित हुए थे। आज हमने आंदोलन शुरू किया है, जब तक हमारे जो कार्यकर्ता
कवर्धा में जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया, आज भी वो हिरासत में, जब तक उन्हें छोड़ा नहीं जाता है ना, छात्राओं को न्याय नहीं मिलती तब तक हम चरणबद्ध तरीके से इसी तरह आंदोलन करना पड़े हम करेंगे। आपका नाम बताएं? मेरा नाम गौरव सिंह, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.